नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लस टाइम में। मेरा नाम ध्रुव है। तो आज हम बात करेंगे इस महिंद्रा के छोटे से ट्रक के बारे में। क्यों मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आया हुआ हूँ ऑटो एक्सपो 2020, जो यहाँ पे ऑटो एक्सपो हुआ है हमारे नोएडा में, दिल्ली में। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लॉन्च हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वो मिस ना करें। सो मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ इस गाड़ी के लिए, क्यों? तो जीतो प्लस इसका नाम है, महिंद्रा जीतो प्लस। ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, ये स्पेशली अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई बिजनेस के लिए, जहाँ पे आपको एक डिलीवरी ट्रक चाहिए या तो एक फूड ट्रक चाहिए, तो आपको ये मिलता है यहाँ पे। ओके, महिंद्रा इज़ प्रोवाइडिंग यू अ प्रॉपर कस्टमाइजेशन फॉर द डिलीवरी ट्रक। जैसे कि अमेजोन प्राइम के आप वहाँ पे देख सकते हैं बॉक्सेस, ऊपर आपको m2all.com के बॉक्सेस आप देख सकते हैं। सो ये स्पेशल आपको डिज़ाइन करके मिलेगा, डिलीवरी ट्रक या फूड ट्रक या आपको फ्लैट बॉटम के साथ चाहिए, वो चीज़ आपको मिलेगी जीतो प्लस। बट ये वेरिएंट है ई-कॉम डायरेक्ट, मींस जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इसी चीज़ के लिए। तो बात करते हैं इस ट्रक के बारे में, जीतो प्लस के बारे में। बड़ा विंडशील्ड आपको मिलता है यहाँ पे, आपको वाइपर मिल जाता है, थोड़े प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ किए हैं जैसे कि ग्रिल में, महिंद्रा का लोगो सेंटर में है। कन्वेंशनल हेडलैम्प मिलेंगे विद द टर्न इंडिकेटर्स, अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे इस पार्ट में ऐसे, और फिर ये राउंड हो जाता है। सो दिस इज़ होल लॉट वन असेंबली। नीचे आपको रेडियम लाइनिंग मिल जाती है, अच्छी लग रही है। फॉग लैम्प आपको नहीं मिलता नीचे, हालांकि इस मॉडल में, आई डोंट नो अबाउट द अदर मॉडल्स, मैं अपडेट करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नीचे आपको हेक्सागन डिज़ाइन ग्रिल मिल जाती है, अच्छी लग रही है टू कीप द इंजन कूल। तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन दिया है यहाँ पे। बात करें अगर इसके टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे एक मिनट गाइस, यस, आपको 12 इंच के यहाँ पे टायर मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील व्हील मिल रहा है आपको, अलॉय व्हील नहीं मिलता। व्हील कैप आपको इसमें मिल जाती है सिल्वर इंसर्ट में, अच्छी लग रही है। कैबिन देख सकते हैं, दो लोगों के लिए काफ़ी है, अच्छा खासा कैबिन है, स्मार्ट कैबिन है। और वहाँ पे आपको 12V चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ कुछ डमी बटन्स हैं, यहाँ पे 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा स्पोर्टी लग रहा है। वहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, कुछ स्पेस है यहाँ पे। देन आपको डैशबोर्ड में यहाँ ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, सीट्स अच्छी हैं, लेदर प्रीमियम आपको, प्रीमियम नहीं, लेदर अपहोल्स्ट्री आपको दी गई है, अच्छी लगी। जीतो की बैजिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छा है। बात करें इसके डोर्स की, तो यहाँ पे प्लास्टिक आपको ब्लैक्ड आउट मिल जाती हैं, डोर हैंडल्स सब कुछ ब्लैक्ड आउट है, मैनुअल कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स। सो आते हैं मेन पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बन के मिलेगी महिंद्रा से, कस्टमाइजेशन आपको मिलता है। और इसकी प्राइसिंग भी इतनी नहीं है, 6 लाख आपको मिलेगा इसका प्राइसिंग, एक शोरूम इसका होगा, ये जल्दी लॉन्च होगी। मेरे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिएगा, कुछ भी सवाल है हम आगे अपडेट करेंगे जब ये लॉन्च होगी। इसका डिटेल रिव्यू लाएंगे, हम वॉक अराउंड कर रहे हैं फिलहाल। तो सो देख सकते हैं आप कितना इसमें स्पेस है, मैं इसके डायमेंशंस भी आपको बताऊंगा। कैबिन आपको लाइट्स मिल जाती है बेटर एक्सेस के लिए, ग्रिल्स मिल जाती हैं प्रॉपरली माउंटेड हैं, स्पेस काफ़ी अच्छा है, बट क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की है यहाँ पे, सैंड क्वालिटी मिल जाती है। कन्वेंशनल टेल लैंप आपको दूसरी साइड में मिल जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर आपको मैकेनिज्म दिया गया है टू ओपन दिस जब लॉक करते हैं आप। सो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। अगेन 12 इंच के टायर आपको, टर्न यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम बॉडी यूज़ की गई है, काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ अगर आपको सादा फ्लैट बॉटम मतलब ये लेना है, सो इसकी USP है बिग ऑन सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्टडी चैसिस आपको इसमें मिलती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैसी और बॉडी है इसकी, सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन फॉर इंक्रीज्ड सेफ्टी, अच्छी सेफ्टी यूज़ की गई है यहाँ पे, बिग ऑन स्टाइल एंड कंफर्ट मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट फेशिया है, काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर से बैठने के हिसाब से भी, बिग ऑन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देगी, जो काफ़ी आरामी से स्टीप क्लाइम्स चढ़ जाती है काफ़ी ईजिली, हाई पावर हाई टॉर्क आपको मिलता है इस वहीकल में, कार लाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आप ट्रक एक मिनी साइज ट्रक चला रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप गाड़ी ही चला रहे हैं। काफ़ी वेल सूटेड फॉर ड्राइविंग इन नैरो लेन्स,
बहुत अच्छे से प्यार से निकल जाती है, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। कॉम्पैक्ट साइज़ है, छोटा साइज़ है, आराम से आपको जजमेंट बैठ जाएगा इस गाड़ी पे। एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट 625 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है इसमें क्यूबिक। एंड आपको इंजन टाइप सिंगल सिलेंडर DI वाटर कूल्ड इंजन मिलेगा। नंबर्स ऑफ सिलेंडर 1 जो आपको 16 BHP देगा ये, एंड 38 Nm ऑफ टॉर्क। 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। टायर साइज 12 इंच के आपको मिलते हैं। सस्पेंशन आपको जो इसमें मिलते हैं IFS मिलते हैं आगे और पीछे, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। राइड क्वालिटी अच्छी कर देंगे, बिल्कुल भी आपको बम्पी क्वालिटी नहीं मिलेगी, अच्छी राइड क्वालिटी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। सो दोस्तों जो इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर्स की मिलेगी, और पीछे आपको सेमी ट्रायलिंग आर्म मिल जाता है सस्पेंशन सिस्टम, और वारंटी इसकी 3 साल की आपको मिलेगी 72,000 किलोमीटर की, सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। आपको 4 कलर में मिलती है, डायमंड वाइट, सनराइज रेड, अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड प्रीमियम बेज आपको इसमें मिलता है। जो आप कलर मेरे सामने दिख रहे हैं ये डायमंड वाइट कलर है, अच्छा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पे। एंड आपको ओवरऑल लेंथ इसकी 3876 mm है, वेट है इसकी 1498 mm, हाइट है इसकी 1750 mm, तो काफ़ी अच्छे इसके डायमेंशंस भी हैं। एंड अगर आपको इंक्वायरी करनी है ना कुछ इसके बारे में, महिंद्रा की वेबसाइट पे जाइए, जीतो प्लस सर्च में डालिए, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, तो आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए कि नहीं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए येस और नो सबमिट कर दीजिएगा तो आपको वो चीज़ इसमें मिल जाएगी। एंड यस, यही मुझे बताना था, बिग कार्गो स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, 2257 mm का यहाँ पे कार्गो स्पेस दिया जा रहा है। माइलेज इसकी आती है 29.1 km/L, बहुत अच्छी माइलेज है। 3 साल की वारंटी, 72,000 km, बिग अर्निंग्स हैं गाइस ये। बिगर पे लोड 715 kg, दैट लेट्स यू एन्जॉय बिगर अर्निंग्स। देखिए ज़्यादा माल जाएगा तो अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी, है कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे मोर सेविंग्स मीन मोर अर्निंग्स, यही कहना है महिंद्रा का। जो जीतो प्लस ये ट्रक लाया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन किया है ये ट्रक। अगर स्पेशल डिलीवरी, देखिए जैसे कि ये कुछ ग्राफिक्स दिए हैं यहाँ पे, टीवी, फ्रिज, मशीन काफ़ी अच्छे से लोड हो सकते हैं। डिलीवरी फूड ट्रक आप बना सकते हैं इसको, काफ़ी लोगों को महंगा पड़ जाता है दुकान में अपना ये करना, दुकान लेना, उसका भाड़ा भरना, तो दोस्तों दिस इज़ व्हाट, फूड ट्रक भी बना सकते हो आप इसको महिंद्रा में, स्पेशली कस्टमाइज करवा सकते हो। सो है कि नहीं दोस्तों, एक बढ़िया चीज़ मैंने आपको आज बताई है, काफ़ी मस्त चीज़ है। कुछ भी सवाल हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, अभी तो इतना ही दोस्तों। ORVMs भी मैनुअली एडजस्टेबल हैं जो ब्लैक्ड आउट हैं। सो अभी के लिए इतना ही, हम आगे और भी इसका डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर आपके लिए लाएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो देख रहे हैं एक छोटे साइज़ का ट्रक लोडिंग कैपेसिटी के लिए, सो प्लीज़ उनको बताइए। मिलते हैं अगली बार, बाय गाइज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर वीडियो। अंटिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, एंड वेयर सीट बेल्ट, वेयर हेलमेट्स, बाय गाइज।